हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी कि खेल चिकित्सा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत इंजरी यानी चोटें, फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, डोपिंग यानी अवैध पदार्थों का लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यह दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पेड ग्रुप नहीं है दोस्तों। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर के 100 से ज़्यादा वीडियोज हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आपका कराया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों, यदि बेहतरीन तैयारी करना है तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो सियोल में हुआ था, उसमें मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी कौन था? तो 1988 में कौन था दोस्तों? 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में 9.76 सेकेंड में दौड़ने वाले प्रथम पुरुष बने थे आपके बेन जॉनसन, जो डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में है क्या? HIV, रक्त थक्कों का जमना बढ़ना, A&B दोनों। तो दोस्तों, रक्त डोपिंग से दोनों का होने का आशंका रहता है, HIV और रक्त थक्का का बढ़ना भी, तो A&B दोनों होगा। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन हैं। तो दोस्तों, खिलाड़ियों द्वारा जो कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे डोपिंग कहा जाता है, जो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो यह क्षमता बढ़ाने के साधन कौन है? प्रतिबंधित दवाओं का सेवन और रक्त डोपिंग, दो माध्यम से आपका खिलाड़ी लोग अपने कृत्रिम रूप से अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे A&B दोनों होगा, ऑप्शन नंबर C। जैसा कि दोस्तों डोपिंग के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, एक बार आप सभी वीडियोज को देख लेंगे तो दोबारा आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी वीडियोज देखेंगे दोस्तों, इतना डिटेल में कोई नहीं बताया है, तो आप डोपिंग वाले वीडियोज को, सभी टॉपिक को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं माइक टायसन बॉक्सिंग में, बेन जॉनसन एथलेटिक्स में, सीमा अंतिल एथलेटिक्स में। तो दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी जो हैं वह डोपिंग में प्रतिबंध दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ी या व्यक्ति के शक्ति उत्पादन करती है, प्रयोग अथवा पुनः प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है, खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालती है, यह सभी। तो दोस्तों, ये सभी प्रभाव आपका एर्गोजेनिक एड्स डालता है। दोस्तों, आपको ये देखना है कि एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग में क्या अंतर है। डोपिंग दोस्तों, ये गलत तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाया जाता है प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करके, उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग करके, जबकि एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है, वह वास्तविक प्रभाव डालती है, अच्छे तरीके से उसको बढ़ाया जाता है, तो वो एर्गोजेनिक एड्स होता है। जैसे कि दोस्तों, एर्गोजेनिक एड्स जो है वह कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि ये 5 प्रकार का होता है, पोषण साध यानी कि न्यूट्रिशनल एड्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब आते हैं। एंड दूसरा क्रियात्मक साध जो फिजियोलॉजिकल एड्स होता है, उसके अंतर्गत ऊंचाई पर प्रशिक्षण, ब्लड डोपिंग, हर्बल दवाइयां, फिजियोथेरेपी, खेल मालिश, सोना बाथ, वार्म अप, ठीक है, एक्यूपंचर, ठीक है, कंडीशनिंग, अल्ट्रावायलेट रेंज, ये सब आते हैं। एंड दोस्तों, तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक साध यानी कि साइकोलॉजिकल एड्स, जिसके अंतर्गत आप किसी को उत्साह बढ़ा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, रिहर्सल दे सकते हैं, समूहन में तालियां बजा सकते हैं, ये सभी आते हैं। चौथा होता है यांत्रिक साधन यानी कि मैकेनिकल एड्स, यानी कि आपका जूता का साइज कैसा है,
और ड्रेस कैसा है, स्विमिंग पूल कैसा है, वाटर प्रशिक्षक कैसा है, रनिंग शूज कैसा है, पैराशूट कैसा है, हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण यानी कि अधिक ऊंचाई पर प्रशिक्षण, एक्वा प्रशिक्षण यानी पानी के अंदर प्रशिक्षण, यंत्र कैसा है, ट्रेडमिल आदि कैसा होना चाहिए, ठीक है, डाउन हिल रनिंग, अप हिल रनिंग, खेल उपकरण, ये सब यांत्रिक साधन में आते हैं, ये जो हमारे क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। पांचवा होता है औषधि साध यानी फार्माकोलॉजिकल साध है, जिसके अंतर्गत आपका बहुत सारे दवाइयां आती हैं। तो ये आपका थोड़ा सा अंतर है डोपिंग और एर्गोजेनिक एड्स में। एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है, इसका कुप्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि डोपिंग का जो है अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। जो एर्गोजेनिक एड्स होता है हमारे क्षमताओं में वास्तविक प्रभाव डालता है, वास्तविक रूप से एक जेन्युइन तरीके से हमारे क्षमता को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। और जो डोपिंग क्या होता है, उसमें उत्तेजक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे क्षमता को कुछ क्षण के लिए इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। ये अंतर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं तो पोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, औषधात्मक व शरीर क्रियात्मक, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हैं। नेक्स्ट है भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइटी सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स ड्रिंक, कैफीन आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो दोस्तों खिलाड़ी के खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को क्या बोला जाता है, एर्गोजेनिक एड्स। यही पे दोस्तों प्रतिबंधित दवाओं शब्द आ जाता है, तो वहां पे डोपिंग आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग में क्या अंतर है। नेक्स्ट दोस्तों, यानी कि जब बोलेगा कि गलत तरीके से दवाओं का प्रयोग करके अपनी क्षमता को बढ़ाना तो वो डोपिंग हो जाएगा, सही तरीके से तो एर्गोजेनिक एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, डायट्री सप्लीमेंट्स, मिनरल्स एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक, कैफीन होते हैं, ये पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स में आते हैं। तो ये किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं दोस्तों, या हमारे गोलियों, तरल, इंजेक्शन, तीनों रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो सभी रूप में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन है, ये सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करते हैं, राइट, एंड शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं, राइट, एंड खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति की गति बढ़ाते हैं, राइट, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, क्रिएटिनिन, विटामिन व जड़ी बूटियां। तो दोस्तों ये सभी पोषणात्मक साधे के अंतर्गत आते हैं। और जो सीधे तौर पर वास्तविक शक्ति, तेजी, चुस्ती पुस्ती प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं, तो प्रोटीन, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सभी पदार्थ शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, तरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, जड़ी बूटियां, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं, जैसे दोस्तों किसी को उत्साह करके, मोटिवेट करके, उसको सम्मोहन करके, मानस दर्शन करके, यहाँ पे क्या दिया है, सम्मोहन, मानस दर्शन, तो ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण क्या है, यानी कि आपका खेल उपकरण कैसा होना चाहिए, जूता कैसा होना चाहिए, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उपकरण वो कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा है, भार कैसा है, ये सब आपका यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े, धातु मित्र से बने उपकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां हैं,
तो जो औषधियों में दो आ जाएगा एनाबोलिक स्टेरॉयड जो हमारे डोपिंग के अंतर्गत आता है, दोस्तों जो हमारे एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत औषधि साध्य है यानी फार्माकोलॉजिकल एड्स, वो डोपिंग के अंतर्गत भी आते हैं, एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत भी आते हैं। तो खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां हैं आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड, एम्फेटामाइन्स, एंडोस्टेनेडियोन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है किसके द्वारा? रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा, विज्ञापनों द्वारा, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन्स की आवश्यकता होती है? तो थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और पेंटाथोनिक। तो दोस्तों इन सभी विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं अफीम, गांजा, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन, एलएसडी सभी। तो दोस्तों आपको ये सभी हैं प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत, आपको ध्यान में रखना है कि कौन प्रतिबंधित के अंतर्गत आते हैं और कौन प्रतिबंधित के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको इसको तीन भागों में बांटा गया है कि ऑल टाइम बैंड, इन कंपटीशन बैंड एंड स्पेशल स्पोर्ट्स में बैंड। ऑल टाइम बैंड यानी कि हमेशा प्रतियोगिता के अंदर भी बाहर भी। बैंड है आपके एनाबोलिक एजेंट्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है, एंड हार्मोन्स मॉड्यूलेटर्स, ड्यूरेटिक्स, ये ऑल टाइम बैंड है। और इन कंपटीशन बैंड में कौन है दोस्तों, यानी कंपटीशन में उसको नहीं आप यूज कर सकते हैं, कौन है? स्टिमुलेंट्स, जिसके अंतर्गत आपका स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट के अंतर्गत आपका कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, एम्फेटामाइन आदि आते हैं, एंड नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सभी है आपके कंपटीशन में बैंड, ठीक है। एंड दोस्तों जो प्रोहिबिटेड इन स्पेशल स्पोर्ट्स यानी किसी स्पेशल स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपका है एल्कोहल एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो एल्कोहल को तो अब बाहर निकाल दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, तो अफीम यानी गांजा, ठीक है, जो कैनाबिनॉइड्स के अंतर्गत आता है, मॉर्फिन, हीरोइन, जो आपका नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है, कोकीन व एलएसडी, ये सभी क्या है? प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये सभी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान हैं, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम। तो दोस्तों ये सभी स्थान है आपके चोटग्रस्त होने के, यहाँ पे जो आपको दिमाग लगाना है, नहीं पढ़े रहेंगे तो भी आंसर दे लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने का कारण है, तो क्या कारण है? मैदानों का घटिया रख रखाव, मौसम की विपरीत स्थितियां, प्रशिक्षण का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं आपके चोटग्रस्त होने का कारण। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ी की को खेल कूद के समय लगने वाली चोटें हैं, कौन सी चोटें हैं दोस्तों? दो प्रकार की चोटें, सामान्य चोटें और गंभीर चोटें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य चोटें क्या हैं? जैसे कि आप कहीं गिर गए, छिल गए, ठीक है, आपको त्वचा रगड़ गया, त्वचा फट गया, ये सब चोटे होते हैं, जैसे कि रगड़, छिलना, गुम चोट, त्वचा का फटना, ये सभी हैं आपके सामान्य चोटें। नेक्स्ट दोस्तों, गंभीर प्रकार की चोटें हैं, तो गंभीर प्रकार की चोटें जैसे हमारा लिगामेंट, टेंडन, मांसपेशी, अस्थि, इन सब में जो चोट लगती है वो गंभीर प्रकार की चोटें होती है। तो क्या है? लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना, अस्थि भंग, ये आपका गंभीर प्रकार की चोटें हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? घुड़दौड़, इसमें भी उठाना पड़ता है, कार मोटरसाइकिल दौड़, इसमें भी उठाना पड़ता है, द्वंद्वात्मक प्रतियोगिता है, कम्बैट गेम, इसमें भी उठाना पड़ता है, तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी गंभीर चोटें हैं? अस्थि भंग, स्थान भंग, अंग भंग, ये सभी के सभी आपके गंभीर चोटें हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को कहा जाता है, तो उसको अस्थि भंग कहा जाता है, अस्थि भंग नहीं दिया रहेगा तो वहां पे फ्रैक्चर सही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अपने स्थान से हट गया यानी कि स्थान अपने स्थान से दूसरे जगह चल गया, तो यहाँ पे आपका होगा स्थान भंग, क्या हो जाएगा सही? स्थान भंग। नेक्स्ट दोस्तों,
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैसा कि मैं इसको बता चुकी हूँ, संक्रामक रोग कहते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के द्वारा वातावरण के माध्यम से जल, भोजन आदि के द्वारा, हवा एंड गंदगी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, संक्रामक रोग है HIV, हेपेटाइटिस व हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मलेरिया आदि, ये सभी आपके संक्रामक रोग हैं। इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, असंक्रामक रोग है मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, यह सभी, तो दोस्तों यह सभी असंक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भयानक रोग है तपेदिक, फीलपाव, प्लेग, HIV, यौन संक्रमित रोग, तो ये सभी के सभी आपके भयानक रोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण हैं क्या है? खिलाड़ी की कमजोर शारीरिक स्थिति, ठीक है, आपके शरीर फिटनेस नहीं रहेगा तो भी आपको चोट लगेगा। खेलों में भाग लेने से पूर्व पर्याप्त गर्माना, यानी कि आप खेल में भाग लेने से पूर्व वार्म अप नहीं किए हैं, अपने शरीर को गर्माया नहीं है तो लचीलापन की कमी है, तब चोट लगेगा। एंड खिलाड़ी की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति, यानी कि आप हिम्मत साहस की कमी है, आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं तो इसमें भी आपको चोट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थि भंग के लक्षण हैं क्या है? आपका अस्थि भंग हो जाएगा तो असहनीय पीड़ा होगा, सूजन होगा, विरूपता होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे भी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों प्राथमिक उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। कौन किया था? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा प्राथमिक उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, पुनर्वास का अर्थ है, पुनर्वास यानी कि पुनःवास, यानी पुनः अपने पहले वाले स्थिति में वापस आ जाना, उसका यही अर्थ है। यहाँ पे क्या पूछा है? पुनर्वास का अर्थ है। पुनर्वास को इंग्लिश में रिहेबिलिटेशन कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो पुनर्वास का अर्थ है खिलाड़ी को खेल मैदान पर वापसी, एकदम राइट, एंड पूर्व क्षमताओं के साथ वापसी, ठीक है। पुनर्वास यानी पुनःवास, यानी पहले वाली क्षमता को पुनः प्राप्त करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट दोस्तों, पुनर्वास के क्षेत्र हैं, आप क्या करते हैं पुनर्वास के लिए? मेडिकल पुनर्वास, ओकेशनल पुनर्वास, मोम की सिकाई, इन सभी से आप पुनः अपनी क्षमता को पहले वाले के अनुसार करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है मालिश करते हैं, ठंडा गर्म सेक, मोम की सिकाई, ये सभी आपके पुनर्वास के साधन हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है, पैराफिन बाथ, व्हर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, ये सभी, तो दोस्तों इन सभी का प्रयोग चोट में सूजन कम करने के लिए किया जाता है। पैराफिन यानी कि मोम, मोम चिकित्सा जो होता है, व्हर्लपूल बाथ और कंट्रास्ट बाथ, ये दोनों हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में एक एक करके वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? डिसलोकेशन यानी कि कंधे की जो हड्डी है अपने स्थान से खिसक जाती है, तो इस एक किसमें, किस खेल में सबसे ज्यादा इसकी संभावना होती है? तो जूडो में। किसमें होती है? जूडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम की जाती है, यदि अत्यधिक रक्त बह गया तो इस स्थिति में रोकथाम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह टार्निक्वेट बैंडेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है, टार्निक्वेट के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, मधुमेह होने का कारण है शरीर में इंसुलिन का न बनना, इंसुलिन न बनना, शरीर में ऊर्जा बनना, क ख दोनों, ए एंड बी दोनों, कौन सा सही है दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता है, इंसुलिन का न बनना या कम बनना के कारण हमारे शरीर में मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन करता क्या है? हमारे जो ऊर्जा होता है, ग्लूकोज होता है, उसको बैलेंस रखता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो यदि कम बनेगा तो ग्लूकोज को कम ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा, कर पाएगा, तो ग्लूकोज जो होता है हमारे रक्त में बढ़ जाएगा, तो जिससे हमारे शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी दोस्तों।
एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, एंड डेली बेसिस पे आप बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।